जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये समसाहूनं नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरचि अभी देखो ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको आश्चर्य होगा। रेडी? जो आंखों से दिखता है वह सत्य नहीं है। क्या बोले हमने? जो आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। सुखी होने का रास्ता आंखों से नहीं दिखेगा। सुखी होने का रास्ता आंखों से नहीं दिखेगा। आई देखते हैं कौन कैसा है। थोड़ी देर पढ़ाई कराएंगे, आप सब बोलेंगे, देखते किसको याद होता है। ठीक है? मैं जीव हूं। क्या बोला मैंने? मैं जीव हूं। मैंने क्या बोला? याद हो गया? कठिन है? नहीं। मेरे में ज्ञान है। मेरे में ज्ञान है। पहले क्या बोला था? बराबर। अब मैं ज्ञान से गे को जानता हूँ। मैं इतिहास समझ में आई? याद हुआ? क्या बोले हमने? बस इतनी पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तुम लड़का हो कि जीव हो? बोलो। तुम छोकरी हो कि जीव हो? हैं? बोलो। तुम कितने साल के हो? हैं? 12 साल के? 14? 13 के हो? तो 13 साल का कौन है? शरीर? जीव? नहीं। बराबर। तो मैं जीव हूं। अब इतनी बात ही समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। तुम सुखी किसको करना चाहते हैं? शरीर को कि जीव को? अब बड़ा प्रश्न बच गया। किसे सुखी करना चाहते हैं? शरीर को कि जीव को? बोलो। यदि जीव को सुखी करना चाहते हो तो मोक्ष होगा, लेकिन हम शरीर को सुखी करना चाहते। किसको सुखी करना चाह रहे? शरीर को। कोई बात नहीं, सरल करेंगे, कठिन नहीं है। अभी एकदम ऐसा डर लगे तो क्या हम नहीं कमाएं, नहीं खाएं कि नहीं? नहीं खाएं, लेकिन इतना समझ लें इसमें शरीर का सुख है, आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का सुख नहीं है, जीव का सुख नहीं है। आइए ध्यान से सुनना सभी लोग। मेरे में क्या है? ज्ञान। बराबर। अभी ध्यान से सुनना। मैं ज्ञान से गे को जानता हूँ। मैं अब एक एक शब्द का मीनिंग। मैं मतलब मैं मने ये नहीं। हाँ जी, मैं मने ये नहीं, मैं मतलब जी। बहुत बढ़िया। शरीर जानता है कि मैं जानता हूँ? आंख जानती है कि मैं जानता हूँ? नहीं नहीं,
ब्रेन जानता है कि मैं जानता हूँ? ब्रेन नहीं जानता, मस्तिष्क नहीं समझता, ब्रेन नहीं जानता। सोचो, हमारी बात। चलो बापा, मैं ज्ञान से जानता हूँ। थोड़ी देर इसकी मेहनत करेंगे आप, बराबर? कैसे जानते हो? याद रखोगे? प्रवचन नाक से सुन रहे कि कान से? कान से, पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सबको क्या लग रहा है, कान से सुन रहे हो कि ज्ञान से? हैं, किसे सुन रहे हो? अभी सुनना थोड़ा, अब मेहनत है थोड़ी। अभी जो आपको लगे वो बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपको लगता है ना कान से सुन रहे हैं, आंख से देखते हैं, जीभ से चखते हैं और हाथ से टच करते हैं, ठंडा गरम, बराबर, पक्का? तो अभी पहला प्रवचन की पहली लाइन क्या बोली थी मैंने? जो इंद्रियों से जानते हैं वो सत्य नहीं है। जो हम इंद्रियों से जानते हैं वो सत्य नहीं है। अब उसका प्रवचन करना है मुझे। वो सारी दुनिया को लगता है मैं आंख से देखता हूँ, और हमें समझाना है कि आंखों से कोई भी नहीं देखता। पर समझ में, थोड़ी मेहनत है। फिर से बोलता हूँ, क्या नाम बताया बेटा आपने? मितांश। अच्छा, तो ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या बोला था हमने? आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। आप में से कोई आंखों से देख लेता है? बोलो, देख लेते हो आंखों से? अब लग तो रहा है देख लेते हैं। सबको लग रहा है ना? तो अपन इसकी थोड़ी मेहनत करेंगे। देखो, आंखों से देखते हो कि नहीं देखते हो? आंख का काम देखना है, बराबर। तो रात में जब हम सो जाते हैं और आंखें बंद हो जाती है और बिजली बंद हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, और फिर रजाई ओढ़ के सो जाते हैं ठंड के दिनों में, तो आंखों के सामने कोई चीज आती है क्या? नहीं आती, नहीं आती आंखों के सामने। तो अब जरा ध्यान से सुनो, तो उस समय सपने कैसे देखते हो? इन आंखों से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? और लोग भी देख लो एक बार, अपना अपना एक बार देख लो फटाफट। बंद करना सीख लेना सब लोग, है ना? इसके बाद नहीं बजना चाहिए। विनय, इधर आ जा, इधर इधर, तेरी जगह इधर। वेरी गुड, आजा, है जगह है। रेडी? अब भाई डिस्टर्ब नहीं करना है, सब लोग अपने अपने मोबाइल बंद रखना। ध्यान से सुनोगे तो फ्लो आ जाएगा, नहीं तो अपना 17 मिनट तो हो चुके। मैं बहुत अच्छी बात पढ़ाना चाह रहा हूँ, एकदम आपको लगेगा कि नई चीज है। सारी दुनिया को लगता है हम आंखों से देखते हैं, और जैन शासन कहता है कि आंख से कोई भी नहीं देखता। रात को सपने कैसे देखते हो? आंख के सामने तो कुछ आ ही नहीं रहा, इस जिब्बा पर तो लड्डू आया ही नहीं, लेकिन रात को सपने में जो आप चखते हो वो कैसे चखते हो? कान से तो आप रात को सपने में तो कान से कुछ सुन ही नहीं रहे, सन्नाटा है एकदम रात को। तो वो जो बातचीत सुनते हो सपने की, वो कैसे सुनते हो? इस शरीर पर तो बढ़िया रजाई पड़ी हुई है, लेकिन सपने में आपने देखा कि आप आग में गिर पड़े या पानी में गिर पड़े, नदी में गिर पड़े तो आप ठंड लग रही है आपको, या आग में गिर पड़े तो जल गए सपने का। तो वो जो जलने की फीलिंग है, ठंडी की फीलिंग है, वो कैसे आती है? वो शरीर से आती हो तो शरीर तो शांति से बढ़िया, रजाई में बढ़िया शांति से। तो जो ठंड गर्मी का एहसास होता है, चखने का एहसास होता है, देखने का एहसास होता है, सूंघने का एहसास होता है सपने में, बोलो, तो 5 इंद्रियों से करते हो कि ज्ञान से करते हो? पकड़ में आई सबको ये बात? अभी तक आपको क्या लगता था हम 5 इंद्रियों से जानते हैं, और हमारा जैन शासन कहता है सारे वर्ल्ड की पढ़ाई एक तरफ, पर हमारे जैन दर्शन की पढ़ाई कहती है कोई भी 5 इंद्रियों से जानता। अभी पहले पढ़ा है कभी मितांश? ये बात पढ़ी पहले तुमने? तो पढ़ी पारस? 5 इंद्रियों से नहीं जानते? क्या गजब, क्या कमाल हो गया। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अपनी आंखों के सामने, जैसे आपकी आंखों के सामने मैं हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा?
इसका क्या मतलब निकला कि आपकी आंखों के सामने जो चीज होगी वो दिखेगी, पक्का पक्का फाइनल। तुम्हें अभी मैं दृष्टांत देता हूँ कोई चीज के, माँ मम्मी, तो आपको अपनी मम्मी दिखती है या पंडित जी दिखते हैं? मैं स्कूल कहता हूँ तो आपको अपना स्कूल दिखता है या पंडित जी दिखते हैं? प्रवचन सुनते सुनते बोलो। तो आंख के सामने स्कूल है क्या, तो फिर स्कूल कैसे दिखता है? जी अब तो समझ में आ गया, इसका मतलब पांच इंद्रियों से नहीं जानती, पांच इंद्रियों से नहीं जानती, बराबर। अब एक कदम और आगे बढ़ो, जब जानते नहीं है तो फिर भोगते भी नहीं है, जब जानते नहीं है तो फिर सुखी भी नहीं होते। अब जी थोड़ी और एक कदम और आगे हो गई थोड़ी, आपको क्या लगता है लड्डू खा के सुखी हो जाते हैं? यदि लड्डू खाने से सुख हो, लड्डू खाने से सुख हो और क्या अच्छा लगता है तुमको? रसगुल्ला, रसगुल्ला खाने से सुख हो तो सुनो ध्यान से, तो सुनो, तो रसगुल्ला खाने पर सुखी होगे पक्का। तो एक रसगुल्ला खाने पर एक पुण्य का उदय, और दो रसगुल्ला खाने पर डबल पुण्य का उदय, तीन रसगुल्ला खाने पर ट्रिपल पुण्य का उदय, सौ रसगुल्ला खाने पर बोलो बोलो कितना पुण्य का उदय है? पक्का खिलाऊं क्यों, क्या हो गया? तुम तो कह रहे सौ गुना पुण्य का उदय, सोचो जरा सोचो, बहुत शांति से पढ़ा रहे। इसका मतलब है रसगुल्ला खाने से सुख नहीं होता। यदि रसगुल्ला खाने से सुख हो तो पहली बात तो रसगुल्ला बढ़ाते जाओ तो सुख बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां तो दुख बढ़ना शुरू हो जाता है। बोलो गलत कह रहे थे, बोलो रसगुल्ला खाते 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 दुखी क्यों हो गए? तो फिर इसका मतलब क्या निकला, रसगुल्ला खाने से सुखी नहीं होते। जब पॉइंट पकड़ू, रसगुल्ला को हम दक्षिणा इंद्री से नहीं जानते, दक्षिणा इंद्री से नहीं भोगते, इसलिए उसे सुखी नहीं होते। सुनना ध्यान से, अभी अभी बताऊंगा सुखी फिर कहां से होते हैं। दिगंबर मुनिराज, हा हा हा, दिगंबर मुनिराज सुखी होने के लिए रसगुल्ला खाते हैं, फिर तो ये बहुत बढ़िया है क्या। लेकिन दिगंबर मुनिराज सुखी होने के लिए कहीं और है सुख का साधन, मैं बताऊंगा अभी अभी धीरे धीरे बोलूंगा तब। इतनी बात तो कठिन नहीं लग रही, आंख से देखते कि नहीं, कान से सुनते कि नहीं, पक्का फाइनल ठीक। अब एक कदम और आगे चलो, आंखों से देखते, अभी क्या कहा हमने समझ गया, आंखों से देखते हो तो फिर आपको मेरे सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमें तो सब दिखता है, सब ज्ञान में आ जाता है। कभी कभी आपने देखा है सड़क पर अपन जा रहे हैं और अचानक लगता है पापा की आवाज आई पीछे से, और पीछे मुड़ के देखे तो पापा है ही नहीं, तो आवाज कहां से आई थी कान में? नहीं हुआ कभी, नहीं हुआ ऐसा? बल्कि अपन अकेले में भी गलती करते हैं ना, अकेले में गलती तो पापा का चेहरा दिखाई देता है, सिगरेट पी समझ लेना। तो अकेले में कौन डराता है तुमको, क्यों? पापा तो थे ही नहीं, डराता कौन है तुम्हें? हाँ ध्यान, अब चलो ठीक, इतनी बात पक्की होगी सबको। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से सुनना, आंख से सम्यक दृष्टि नहीं देखता कि मिथ्या दृष्टि नहीं देखता? बोलो भाई, आंखों से कौन नहीं देखता, प्रश्न मेरा। मैं बोलूं कोई भी नहीं देखता, तुम भी नहीं देख रहे आंख से। अब देखो सबको ऐसा लग रहा पंडित जी आंखों में धूल झोंक रहे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था स्कूल में, आई सेंस क्या करता है, देखता है, और अभी क्या पढ़ा रहे पंडित जी, गजब है। नहीं क्या गजब है, तो समझो मैं बहुत मानव की बात बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये जो चर्चा है ना, चर्चा जो मैं चला रहा हूँ, ये मुनिराज बनने की चर्चा है, पांच इंद्री विजेता होने की चर्चा है। दिगंबर मुनिराज जानते हैं पांच इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, पांच इंद्रियों से सुख नहीं होता, इसलिए वो पांच इंद्रियां उनके अंतर्मुख हो जाती हैं, वे सारी दुनिया को देखना बंद कर देते हैं, जानना बंद कर देते हैं, खाने पीने का बंद कर देते, खाने पीने का बंद करते मतलब जितना जरूरत है उतना दे देते हैं, बार बार नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते, क्यों? उन्हें मालूम कपड़ों से सुख नहीं होता, पैसा से सुख नहीं होता, इसलिए पैसे का त्याग कर देते हैं। उसके पीछे ये सिद्धांत है कि ज्ञान से सुख होता है, मैं प्रूव करूंगा ज्ञान से सुख होता है, बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे।
सुख कैसे होता है? ज्ञान से। और पांच इंद्रियों से न ज्ञान होता है और न सुख होता है। क्या बोला हमने? पांच इंद्रियों से न ज्ञान होता है और न सुख होता है। बोलते जाओ ना सब लोग। क्या बोला? समझ में आया? पांच इंद्रियों से न तो ज्ञान होता है न सुख होता है, और ज्ञान से ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। इसलिए महाराज पांच इंद्रियों के विषय छोड़ देते। अभी प्रूव करता हूं सरल बात। आंख धोखा देती है और हमारा ज्ञान धोखे से बचाता है। क्या बोला हमने? आंख पांच इंद्रियां धोखा देती हैं। पारस बताओ, एक भी इंद्री तुम्हें बढ़िया बात करती हो तो बोलो। पांचों इंद्रियां धोखा देती हैं, लेकिन ज्ञान धोखे से बचाता है। बताऊं, समझाऊं? देखो, हवाई जहाज कितना बड़ा दिखता है आपको आकाश में? इतना सा। तो आंख ने धोखा दिया कि नहीं दिया? बोलो, ये इतना सा हवाई जहाज, इतना सा, देखो देखो देखो, तो इतना सा होता है हवाई जहाज? अब ये किसने बताया कि इतना सा नहीं होता? इंद्रियां धोखा देती हैं, और हमारा ज्ञान कहता है इसमें 100 आदमी बैठे होंगे, 200 बैठे होंगे, ये बोइंग प्लेन है, 500 बैठे होंगे, 1000 बैठे होंगे। समझ में आया कुछ? एक उत्तर। दूसरा, कान धोखा देता है, कान धोखा देता है और ज्ञान धोखे से बचाता है। जैसे बच्चों से पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, जिसकी इज्जत नहीं होगा उससे पूछू। इज्जत वाले का डर है थोड़ा। इज्जत वाले को लगे तुमने हमारी इज्जत उतार दी। तो सुनना ध्यान से, पूछू किससे पूछू? बोला बच्चों से पूछू? भरत कह रहे हमसे पूछो। चलो तुमसे पूछ। तो सही बता नहीं, ईमानदारी अपने अपनी मम्मी पापा गुस्से में जब ऐसे बोले, तेरी टांग तोड़ दूंगी, आ तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, मार डालूंगी तुझे आज तू घर, ऐसा ऐसा बोल देते हैं। तो कान ने क्या सुना? कान ने क्या सुना? यही ना। तो फिर तुम FIR लिखवाई मम्मी के खिलाफ? क्यों? मम्मी ने क्या बोला था? बोला था कि नहीं बोला? कभी बोला था आपको हड्डी पसली तोड़ दूंगी? बोलो भाई विनय, मम्मी पापा बोले गधा कहेंगे तो फिर तुम अपने को गधा मान लेते हो, क्योंकि मम्मी क्या बोल रही है अपने को? गधा। आपको क्या बोलती है? कुछ बोलती है? आपको ही कुछ बोलती होगी स्पेशल? बोलो, सब कुछ बोलने पर भी हम उसे कान के भरोसे मम्मी को अच्छा मानते कि बुरा मानते हैं? बोलो, कान धोखा देता है और ज्ञान कहता है नहीं, मेरी मम्मी मेरी टांग तोड़ सकती नहीं। आपको तो छोड़ो, तुम तो बहुत बड़े हो गए मितान। कोई छोटा बच्चा है ना, जैसे छोटा सा बच्चा, इतना छोटा बच्चा है, इसकी मम्मी इसको चिल्लाए जा डंडा लेके आ तेरी टांग तोड़ दूं, तो जी मालूम है कि इकलौता बच्चा है। जो इकलौता बच्चा होता है वो सब समझता है, मम्मी कह रही है तोड़ेगी नहीं, तो खुद डंडा लेकर जा ले तोड़। नहीं बताते ऐसा घरों में? नहीं होता ऐसा, क्योंकि क्या कमाल है, माँ कह रही है गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके लाल लाल करके, इधर तेरी टांग तोड़, डंडा लेके आ जा। तो बच्चे इतना छोटा बच्चा समझता है कि मम्मी टांग नहीं तोड़ सकती, तो ला के दे देती आज के लिए तोड़। गलत कह रहा हूँ? बोलो, नहीं तो FIR क्यों नहीं लिखाई पारस? FIR लिखाना चाहिए अपने मम्मी के खिलाफ, मुझे सुरक्षा चक्र दिया जाए, मुझे मेरे घर में खतरा है, मेरी माँ ही जब मेरी टांग तोड़ेगी तो फिर किससे बचूंगा? आपको पता होगा कैसी कैसी भाषा बोल देते हैं, बहुत खराब खराब भाषा तक बोल देते हैं, लेकिन आज तक किसी को शिकायत नहीं हुई। क्यों? कान के भरोसे कि ज्ञान के भरोसे? अब दो दृष्टांत हो गए, आंख का हो गया, ऐसे कान का हो गया, ऐसे रसनेन्द्रिय का है, रसनेन्द्रिय धोखा देती है, ज्ञान बचाता है हमें धोखे से। वो बचाता, वो कहता है खाओ मत, मर जाओगे, डायबिटीज है तुम्हें। बोलो कौन बचाता है डायबिटीज में? ज्ञान बचाता है। ये तो कहते बोल गया। इसको क्या लगता है? पचाना तो इसको पड़ता है, इसे तो गुटक नहीं है केवल। लेकिन आपको पता है ज्ञान ही रोकता है आपको। आई बात समझ में आ गई? सभी जगह लगा लेना। ओहो, पांच इंद्रियां धोखा देती हैं और ज्ञान धोखे से बचाता है। अब बोलो, इंद्रियां अच्छी हैं कि ज्ञान अच्छा है?
क्या अच्छा है। अब सुनो, इस ज्ञान की महिमा आने का नाम सम्यक दर्शन है। अभी तक हमें सुनना ध्यान से मितान, अभी तक हमें इसकी महिमा आती थी तो हम इसको सजाते थे। दिगंबर मुनिराज इसको क्यों नहीं सजाते? जिस घर में सुख नहीं लगता उसके वाइट वॉश कौन कराता है? जो घर अच्छा नहीं लगता उसका फर्नीचर कौन बनवाता है? देखा है आपने कभी, तुम्हारे से कोई पुराना घर हो जहां रहना नहीं हो, इच्छा नहीं हो, तो कैसा पड़ा रहता है? ऐसे इस शरीर में हमारा ज्ञान और सुख नहीं है तो दिगंबर मुनिराज इसको ऐसे छोड़ देते, समझ गए? क्यों? कि जहां ज्ञान और सुख नहीं उसको अवेयर करने वाला कोई नहीं है। दृष्टांत में और आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है, इसलिए आत्मा में उपयोग लग जाता है, आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, वे मुनिराज बन गए। बोलो, मुनिराज बनना सरल है कि कठिन है? अभी कठिन लग रहा है ना, अभी कठिन लग रहा है। क्यों अपने कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि अपने लग रहा है फिर पैसा छोड़ना पड़ेगा, कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, जंगल में जाना, इसलिए कठिन लग रहा है। लेकिन जब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सुख ज्ञान में मिलेगा, आत्मा में मिलेगा, तो तुम्हें छोड़ना सरल है कठिन है? एक दृष्टांत देता हूँ। चलो, तुम्हारी कोई फेवरेट शर्ट है? बहुत फेवरेट शर्ट है तो मैं तुमसे कहता हूँ वो भिखारी को दे दो, दे दोगे? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना? पक्का तुम दे दोगे मितान? कोई बहुत टॉप शर्ट हो तुम्हारी, बहुत जो तुम फेवरेट है, 50,000 रुपए की, उसमें सोने का नक्काशी है, यहाँ लिखा है नरेंद्र मोदी मैंने मितान से लिखा है सोने से, तो बोलो ऐसी 50,000 की शर्ट दे पाओगे किसी को? नहीं दे पाओगे। और दे दी तो काहे के बल पर दोगे? मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा तो मुस्कुरा कर शर्ट उसको दे दो भिखारी को, तो बोलो दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? बोलो पारस, दे पाओगे नहीं? अरे 5 करोड़ ले ले, ले। जब हम 5 करोड़ मिलता है तो शर्ट उतार के ऐसे दे देते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज को केवल ज्ञान मिलता है, आनंद सुख मिलता है, तो शरीर का सुख ऐसे छोड़ देते। बोलो कठिन है कि सरल है? बोलो, दिक्कत तुम्हें तब तक कठिन लग रही जब तक यहाँ सुख दिखाई दे रहा है। जब तक यहाँ सुख दिखाई दे रहा है ऐसा लगे बाप बड़ा ना भैया एनी हाउ आदमी मर सकता है, मरते मरते पैसे छूटेगा, सबको पता है। इसके बावजूद मरते दम पर भी यदि 1 करोड़ की डील हो रही तो साइन करेगा। कठिन तो नहीं लग रही बात? चलू आगे, चलू दीदी सिद्ध करेंगे ना, चिंता नहीं करना। 5 इंद्रियों में ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है, और ज्ञान में ज्ञान भी है और सुख भी है। चलू आगे, चलू 5 इंद्रियां धोखा देती हैं और ज्ञान धोखे से बचाता है। सुखी होना है आपको, सुखी होना है, बहुत सारा दृष्टांत देता हूँ, सुनना सभी लोग, बच्चों को भी समझ में आएगा। अच्छी बैठी बैठी ऐसे, अभी तुम तो बढ़िया बच्चे हो, बहुत सुंदर, नींद तो नहीं आ रही किसी को? अच्छा, तो अभी मेरे दृष्टांत सुनना, बहुत सुंदर। अभी आपको सबको ऐसा लग रहा होगा ना तो हमने आत्मा देखी ना ज्ञान देखा, तो सुख आएगा कैसे? तुम्हें यही तो लगता होगा जंगल में सूखा सूखा क्या मजा आएगा, गर्मी की लहर चल रही हो, धूप की क्या कहलाती सीज है, लू लू लपट लग रही हो और ठंडों में शीत लहर चल रही हो, वहां ऐसे बैठे बैठे मजा क्या आएगा? पक्का ना, ज्ञान में सुख अपने समझ में नहीं आता, आत्मा का सुख समझ में नहीं आता, तो मैं उसका दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत सरल, एकदम चिंता नहीं करना। देखो, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, इससे ही छोटा बच्चा चला गया, छोटा सा बच्चा, कोई बात नहीं तो इतना छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है। अभी कितना छोटा बच्चा है, कक्षा 1 में भी नहीं पढ़ रहा होगा, LKG UKG पढ़ रहा होगा। तो फिर देखना ध्यान से, ये सारे बच्चे एक क्लास में 20-25 बच्चे बैठे, इतने छोटे छोटे 20-25 बच्चे। तो मैडम ने कहा, सुनो आज टेस्ट है आपका, अब लिखित तो होता ना, इनका ओवरऑल टेस्ट होता है, आपका टेस्ट है आज, मंथली टेस्ट। तो बच्चे बेचारे टेस्ट के नाम से बेचारे अच्छे खासे खुश थे और भूत बन गए एकदम ऐसे हो गए, पता नहीं क्या पूछेंगे तो इतने में मैडम ने पूछा, सुनो ध्यान से ना, सुनो आंसर नहीं देना, केवल हैंड्स अप करना है, और यदि किसी ने आंसर दिया तो पिटेगा, केवल हैंड्स अप करना, किस किस को आंसर आता है। तो मैडम ने क्वेश्चन पूछा,
कठिन पूछ रहे हैं, अब उनके हिसाब से कठिन ही है वो, कठिन पूछ रहे हैं तो बच्चे एकदम सन्नाटे में, एक को भी इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा, मैडम को देख रहे था। फिर मैडम ने पूछा 2 + 2 = 2। अब देखो उनमें सब बच्चे बैठे हुए 25, तो जिन बच्चों को नहीं आता था बेटे बेचारे, उन्हें मारा है किसी ने, उन्हें किसी ने दुख दिया, कोई पनिशमेंट मिला, कुछ नहीं। अब देखिए इतने से बच्चे ऐसे कुछ से ऐसे बैठ गए, और कुछ हाफ 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 थे, हाफ हाफ समझिए, हाँ कुछ 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 लग रहा था, कुछ ना कुछ कुछ तो बोल ही देंगे। आपको मालूम जब फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हाथ धीरे धीरे ऐसे उठता है। अब कुछ बच्चों को 100% कॉन्फिडेंट थे, एकदम ऐसे हाथ उठ गया, और एक बच्चे को तो आंसर का आनंद इतना जम के आया, ज्ञान का आनंद ज्ञान का आनंद इतनी जम के आया, मैडम 4 एकदम मैडम 4। अभी मुझे कुछ कहना है था, समझ तो गया, ये बच्चा इतना प्रफुल्लित हो गया, जवाब क्यों दिया, ये भूल गया कि मैडम मारेंगी, उन्होंने कहा था हैंड्स अप करो, बोलो, बाकी बच्चे को भी पिटाई नहीं हुई, कुछ दुखी क्यों हुए। सुनो, जीव अज्ञान से दुखी होता है और ज्ञान से सुखी होता है, और जब ज्ञान से सुखी होता है तो उसे दंड का भी डर नहीं लगता, अर्थात उपसर्ग और परिसर का डर नहीं लगता, ऐसे वो चल जाता है। ऐसे हम तो जा रहे हैं, हम तो मोक्ष जा रहे हैं, बेटा मच्छर होते जंगल, अब तुम मच्छर ही देखते रहना, हम जा रहे हैं बेटा जंगल में सांप आते हैं, आने दो, देह छूटेगी आयु होगी, उससे ज्यादा क्या होगा, देह छूटेगी छूट जाएगी, मेरा मजा तो। अब तो समझ आ गया, जब ज्ञान का सुख दिखाई देता है तो 3 साल का बच्चा भी अपने आप में नहीं रह पाता, एकदम उछलता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते बेचारे, उन्हें आता भी है और वे मैडम की बात याद करके चुप रह जाती, फिर मैडम है इनने बता दिया, हमसे पूछो, हमसे भी पूछो। बोला जब 2 + 2 = 4 इसमें आनंद आ सकता है, तो 3 लोग 3 काल को एक साथ जान ले ज्ञान, उस ज्ञान में आनंद होगा कि नहीं होगा, सुख होगा कि नहीं होगा, वो शांति सोचो। बोलो मुनिराजों को सुख होता है कि नहीं, बोलो अरहंत भगवान को सुख होता है कि नहीं होता है, फिर से बोलू आचार्य अरहंत को सुख नहीं होता है, आत्मा सुखी होता है वो आचार्य बनता है, आत्मा सुखी होता है वो अरहंत बनता है, क्या फर्क पड़ गया, जबरन घुमा दी, क्या क्या भरत क्या फर्क पड़ा, फिर से बोलो फिर से जो आत्मा सुखी होता है ना भी आचार्य बनते हैं, जो आत्मा सुखी होते हैं भी अरहंत बनते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला कि अब ये अरहंत और आचार्य हमें एक्स्ट्रा लगते हैं, वो एक तो वो पीसी के मंडल वाले और एक समोसरण वाले, आपन तो कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, जो आत्मा ज्ञानी होते हैं भी आचार्य होते हैं, भी साधु होते हैं, भी अरहंत होते हैं। अब बोलो तुम्हारा ज्ञान बढ़िया है कि दुख रूप है। अब आगे बोले, ज्ञान के दुरुपयोग से जीव दुखी है। क्या बोला, ज्ञान के दुरुपयोग, दुरुपयोग समझते हो, ज्ञान का दुरुपयोग, सही बताऊं 100% लोग, जितने लोग दुखी हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई हो, वे सब ज्ञान के दुरुपयोग से दुखी हैं। और इस विश्व में सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाला है पढ़ा लिखा आदमी। आपको उल्टा उल्टा लग रहा होगा, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। क्या बोला मैंने, 84 लाख योनियों में कौन पढ़ा लिखा ढोर ढोर। और आपको एक बात, आज तक पक्षियों ने अवक्ष नहीं खाया, अवक्ष समझ गए, जैसे बकरी कोई पत्ती खाती है तो वही पत्ती खाती है, आज भी चिड़िया जो खाती है ना वही खाती है, ये देख लेना आप, कुत्ता जो खाता है वही खाता है, मतलब उसके अलावा दूसरी नहीं खाता। आदमी कितना खतरनाक प्राणी है, इंडिया का भी खाता है, चाइना का भी खाता है, जापान का भी खाता है, मोमोडन का भी खाता है, इसके पास कोई एंडलेस।
ये ज्ञान का दुरुपयोग नहीं है। मैंने आप कभी देखो कपड़े सिंपल कपड़े भी पहने जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं यदि पिक्चर दिखाऊं तो आप रो दो। करोड़ों जानवरों को केवल उनका जो स्किन होती है ना स्किन फर, वो फर प्राप्त करने के लिए, फर प्राप्त करने के लिए मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको, इतना 100% बॉइल गर्म गर्म पानी में कुत्ते को डालते हैं और तड़ फड़ाकर पूरी स्किन छूट जाती है मांस से। एक मिनट नहीं लगता, एक मिनट 10-15 सेकंड के अंदर उबलते पानी में उसको डाला और तड़फा और पूरी स्किन बॉडी से अलग, मांस से अलग हो जाती है और ऐसे उतार देते उसके और उसके कपड़े बना देते। एक एक छोटा सा जानवर का बच्चा है, बच्चा फर फर के रस, वो उसको ऐसे सिर के बल मारते हैं और जिंदा जिंदा में उसकी चमड़ी उतार देते और उसके कपड़े बना देते। और हम बाजार से बढ़िया वो ले आते हैं लेदर का, बहुत सुंदर वो क्या कह रहे कान पे ले पहनने वाला, फिर ऐसा इसकी जरूरत है। पशुओं ने कभी अत्याचार नहीं किया। शेर जैसा प्राणी यदि पेट भरा हो तो किसी को नहीं छूता, पेट भरा हो किसी को भी ऐसा भी नहीं मार के रख लो अभी मिल रहा है कल काम आएगा। इतना अच्छा होता है शेर, कल तक के लिए नहीं रखता, शाम तक के लिए नहीं रखता, बस पेट भर गया तो किसी को छुएगा भी नहीं। और आदमी की ऐसी हालत है एक जन्म के लिए हो जाए तो 100 जन्म का इकट्ठा करेगा, कितनी पीढ़ियों के लिए, कितनी पीढ़ियों के लिए। ये भगवान पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ, दुखी क्यों है, ज्ञान के दुरुपयोग से। रिश्वतखोरी क्या है, ज्ञान का दुरुपयोग। नंबर 2 का बिजनेस क्या है, ज्ञान का दुरुपयोग। इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इंटेलिजेंस काय में लगाते हैं, छल प्रपंच में लगाते हैं, सुनो तो वो दुखी होता है। समझ आ गया, अब फिर से बोलता हूँ, ज्ञान से सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं, बोलो, ज्ञान से सुखी होते हैं और अज्ञान से और ज्ञान के दुरुपयोग से दुखी होते हैं। बहुत सिंपल गणित है, बोलो। आज सुखी हो सकते हो, आज बोलो, तुम दोनों भैया को दुखी होना, दोनों भाइयों को, तो इतनी सी एक सुरसुरी चल रहा, अब पास तो पैसा अपना बना रहे होंगे, इनका तो मकान है, इनका तो नाम है, हमारा क्या होगा, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, इनके बच्चों की तो पढ़ाई हो रही, फिर हमारा क्या होगा। मैं यहीं से रोना शुरू कर दो, जब जो होगा जब तो देखा जाए, रोना तो अभी से शुरू हो गया। दुखी होना बहुत सरल है। जो दुखी नहीं हो पाओ तो हमसे पूछ लेना, हम सिखा देंगे, एक मिनट बता देंगे दुखी होना क्या। समझ आई बात, कठिन तो नहीं लग रही इतनी बात, चलो आगे चले। मैं ज्ञान से घी को जानता हूँ, जानता हूँ, मैं ज्ञान से घी को जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ तो समझ गया, इसमें तो कठिन नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी और सूक्ष्म बात कहनी है। कह दू कि नींद नहीं आई, नींद आए तो बता देना, मैं जगा दूंगा। बहुत सुंदर बात, मैं ज्ञान से गेय को जानता हूँ, ये कहना व्यवहार है। खरेखर ये है कि गेय मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। क्या बोला, गेय मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, गेय गेय मतलब गेय माने वस्तु, हाँ पता, गेय माने पता, गेय माने पता। अब थोड़ा कठिन नहीं, सरल करता हूँ, आप सही से बताना, अपने आप ज्ञान में जानने में आ जाते हैं या जानना पड़ता है, आप क्या बोलते, पता नहीं आपके क्या बोलते। मुझे इस मामले में एक शब्द याद आता है, सागर साइड का, सागर सागर का एक शब्द है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिसको हम आपकी भाषा में कहें, अपने आप सूझती है, अपने आप ही सूझती है। अच्छे खासे तुम शांति से चले जा रहे थे, कोई प्लान नहीं था, मुझे प्यारा सा बच्चा दिखाई दिया, जब उन्हें टक कर दिया, आपने आप ही लेना एक ना देना तो जब नहीं कर दिया, नहीं नहीं होता है। अब अच्छे खासे बैठे थे, कोई लेना एक ना देना तो कहो दरवाजे ऐसे ऐसे करने लगे, देखना अपने आप ही, अब हाँ कोई नहीं, चटाई तोड़ने लगेंगे,
अरे कोई बाद में कहे ना क्यों तुमने चढ़ाई तोड़ी, कब? क्या कमाल है, मैंने चटाई भी बैठे बैठे तोड़ लेता है, इसे खबर भी नहीं पड़ती मैंने चटाई तोड़ दी। ये काम ही हजारों काम है। कई लोगों को याद भी नहीं देता कि उन्हें पैर हिलाने की आदत है, फिर कोई बता दे कहो पैर क्यों हिला रहे, अच्छा अच्छा और एक सेकंड नहीं फिर गाली देने वाले होते ना, गाली देने वाले उसको तकिया कलाम कहते हैं, तकिया कलाम समझते हो, मैंने उनको खबर ही नहीं पड़ती हम गाली बक रहे, मैंने ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो सहस्त्र नाम पढ़ रहे हो। गाली बोल देंगे और खबर भी नहीं पड़ेगी गाली बोली, फिर कोई उनसे कहे तुम गाली बकते हो। तो हमारे भोपाल साहित्य ऐसा कहते हो गाली दे के फिर कहता कौन साला गाली बकता है। गाली भी बकता जा रहा है, कह रहे कौन बकता है, ऐसी बुरी हालत है। आपको समझ में आ रहा है? अब और आराम से बता दो, ये तो समझ में आए, सरल हो गई। अब कभी आप ध्यान करने बैठो तो अपन नहीं चाहते देवी चीज जानने में आती है, तो जानने में आ रही है, हम जानते हैं। सोचो मैं मुझे बहुत बड़ी बात कहना समझ रहे हो, तो जो चीज आपो आप जानने में आती है उससे बंद नहीं होता, और हम जानना चाहते हैं उससे बंद होता है। क्या बोला हमने? जो चीज जानने में आ जाती है, बहुत बड़ा पॉइंट है बेटे, जो चीज जानने में आती है ना उससे बंद नहीं होता, और जो हम जानना चाहते हैं उससे बंद होता है। जैसे मेरी एक नजर इधर गई, अब सब बहनें जानने में आ गई, तो आपको कोई तकलीफ है? लेकिन मैं जानू इसका किसी बहन को देखता रहा, जानना चाहूं, और फिर तुमसे तो भरत वो बच्ची कौन है, वो बुलवाना कल और बात करवाना भला कराना, तो आप इतनी गुस्सा आए, काय का पंडित है काय का ब्रह्मचारी, हम कभी नहीं बुलाएंगे। क्यों, क्या बात हो गई कि तुम जानना क्यों चाहते हो? जानने में आ जाए तो, जानने में आ जाए तो नो प्रॉब्लम। एक काम करो, एक पति अपनी पत्नी से कहे बम्बई में मुझे 100 लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, फिर देखना तुम्हारी 12 बज आएगी। अरे तुम्हें बॉम्बे में हजारों लाखों स्त्रियां दिख जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम 100 पे नजर रखे हुए हो, तुमने 100 की गिनती कैसे कर ली? तुम कितने भ्रष्ट हो, कितने मतलब कितना झगड़ा होगा आप कल्पना कर सकते हो? अब तो समझ में आ गया, ओहो तीन लोग तीन काल जानने में आ जाए नो बंद, लेकिन जानना चाहते हो ये बंद, ये बंद का कारण है। आपको आप दिख जाए नो प्रॉब्लम। जैसे अब सामान, अब सुनना बहुत काम की बात, सभी लोग सुनना ध्यान की काम, कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक प्रॉब्लम बताऊं, आप में से एक क्वेश्चन हो सकता है, पंडित जी हम माला फेरते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, न जाने कहाँ कहाँ के विचार आ जाते हैं, ये हमारा उपयोग भटक जाता है, हमसे माला फेरते नहीं बनती, न जाने कहाँ कहाँ की गुस्सा, मतलब सब जानने में आता है। प्रॉब्लम है सबको? है प्रॉब्लम बोलो, है पक्का, मतलब फोकस नहीं हो पाता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, कहीं ना कहाँ के विचार आते हैं, जो नहीं चाहते वो भी आते हैं। तुमने पूछा था ना गाड़ी में एक बार छोड़ने गए थे। मैंने हम नहीं चाहते तो आते हैं। सुनो बंद नहीं होता, जानने में आए उससे बंद नहीं होता, जानना चाहते हैं उससे बंद होता है। अब कितना बड़ा पॉइंट मिल गया, अब सामायिक करने बैठो, अब कुछ भी जानने में आए मजा करो। जो सामायिक हो गए ले, अभी तक अपन क्या करते थे पता है सामायिक में? नमो यंत्राणाम नमो सिद्धाणाम, जबरन रिहर्सल करते रहते थे और पागल होते रहते थे, फालतू में दुखी हो रहे थे। सरल होगा कठिन हुआ? बोलो बोलो, ज्ञान स्वभाव को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बहुत मस्त हो गया। अब सामायिक कौन कर पाएगा बोलो? अभी तक अपन कैसे करते थे, बैठते थे और घबरा जाते थे, कौन जाने कहाँ कहाँ के विकल्प आ रहे, क्रोध मान माए लोग मम्मी पापा जाने कौन कौन आ रहा है, परेशान होते थे। अब नो प्रॉब्लम, सामायिक करो मस्ती से। इतनी सरल विधि सुनिए, मैं उन लोग कौन कौन सी विधि बताते हैं, आती जाती सांसों पर ध्यान लगाइए। और चक्र बनाइए और इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए,
कहाँ को देखो ना, इधर देखो ना, उधर देखो। नहीं नहीं नहीं, एक नाभि का चक्र, एक कुंडलनी, एक इधर का चक्र, ये भैया कितना सरल काम है, समझ में आ गई बात। अब फिर से बोलो, पॉइंट कौन सा चलाया था अपन ने, जानने में आता है कि जानते हैं, तो जानते हैं ये कहना व्यवहार, और जानने में आता है ये सच्ची बात। नहीं तो आप जानना नहीं चाहते, जैसे अभी मेरा प्रवचन सुन रहे तो आपको जानना थोड़ी चाहती है फालतू की बात, फिर भी जानने में आ जा रही, नहीं आती अभी। बोलो, अभी भगवान दर्शन कर रहे, उसे कहां कहां का जानने में आ जाता है, गलत है। बोलो, आप बुक पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज की किताब पढ़ते हो स्कूल की, उस समय जाने क्या क्या झलकता रहता है। तुमने तो किताब खोल के बैठ गए, रात को पढ़ने बैठे अपन, किताब खोल के और सहेली दिख रही उसमें, वो भी रोती हुई, रूठती हुई, चिड़चिड़ाती हुई, और फिर अपने गुस्सा आ रही, कल मिलेगी तो बताऊंगी। नहीं नहीं, गलत कह रहे, बोलो। मैंने आपके पढ़ने देखो, अभी खोल के पढ़ना, कितना घर जाकर के सोई देखो कहां कहां की चीज दिखाई देगी। अब तो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो भाई, जानते हो कि जानने में आता है। अब सुनोगे मजे की बात, इसका मतलब जो अब एक कॉल बहुत बढ़िया बात बोलता हूँ, केवल ज्ञान की विधि दे दूं आज पहले ही प्रवचन में, केवल ज्ञान की विधि लेना है, पक्का फाइनल केवल ज्ञान की विधि बता रहा हूँ आपको। बोलो, जो नहीं जानना चाहते उन्हें जानने में आता है, और जो जानना चाहते हैं उन्हें जानने में नहीं आता। जो केवल आत्मा को जानना चाहते हैं और किसी को नहीं जानना चाहते, उन्हें लोकालोक जानने में आ जाता है, और जो पर को जानना चाहता है उसे पर जानने में नहीं आता। क्या बोला, पॉइंट याद हुआ, जो जानना चाहते हैं उनको जानने में नहीं आता, और जो नहीं जानना चाहते उन्हें जानने में आ जाता है। पहले दृष्टांत दूं, एक सरल सा दृष्टांत, घर में चार बच्चे हैं, कितने बच्चे हो तुम लोग, सब भाई बहन कितने हो, चार ही हो, चलो चार है, तो चार भाई। अब ये चारों बच्चे नटखट सब ऐसे, अब एक बच्चे को मिठाई नहीं भाती, मिठाई नहीं भाती, तो मम्मी उसे पकड़ पकड़ के, खाना सीख, सब लड्डू खा रहे तू भी खा, उसे पकड़ पकड़ खिलाएंगे। और एक बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है चारों में से, मिठाई किसको अच्छी लगती ज्यादा, हाँ उसको अच्छी। अब नहीं दृष्टांत, दृष्टांत है, अब वो मिठाई मिठाई पाने से बैठा, समझ गई, बार बार मांग रहा इतना इतना सा, इतना जब छोटे छोटे होते जब इतने तरह मांगे, अब मम्मी तीन बार चार बार, तो पहले मम्मी पता है आपको क्या होता है, जब लड्डू बनाते हैं रसगुल्ला बनाते कोई चीज, तो सबसे पहले उसी को डांटना शुरू कर, मांगा तो समझ लेना। एक गजब हो गया, अभी हम मांगने शुरू नहीं किया तुमने डांटना शुरू कर दिया। और फिर वो बैठे तो मम्मी तुम्हें तो आधा घंटा लगेंगे बनाते बनाते, हमें तो दे दो। तो फिर मम्मी एक छोटा सा उसको दे दे, तो छोटे से क्या हो, थोड़ा 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 थोड़ा, अब चार बार पॉइंट पकड़ में आया कोई, जो मांगना चाहता। अब एक बात बताऊ नितांश गुप्त बात, तो मम्मी इतनी समझदार होती है, उसे पता है इसे जब तक लड्डू देखेंगे जब तक मांगेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व लड्डू अलग रख देती, और दूसरे तीसरे दिन से बच्चे जब कहते हैं लड्डू खत्म, देख बेटा खत्म हो गए। और एक बच्चा जो खाने के प्रति अनुसाही है, रुचि नहीं है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं पता है, उसे छिपा के रख देंगे उसको, दिया आ जाएगा वो पप्पू खा खा। अपॉइंट अपॉइंट में जो खाना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता, जो नहीं खाना चाहते हैं उन्हें मिलता है। दृष्टांत समझ में आ गए, एक और दृष्टांत दूं, एक और दृष्टांत, मैं तुम्हारी तिजोरी देखना नहीं चाहता, तो तुम्हें ऐसी क्षति पंडित जी एक बार हमारे घर में कदम रख दो, एक नजर आओ हमारी तिजोरी देख लो, मैं नहीं देखना चाहूंगा तो दिखाओगे, और मैं कहूं क्यों पास तुम्हारी तिजोरी में कितने नोट है, कितने कितने गड्डी है, कहां रखी बताओ, कहां से खोलती हो, अंदर कहां रखा हमें दिखाओ, अंदर दिखाओ कहां, तो तुम्हें ऐसा लगेगा आदमी। मन में देखना चाहूं तो आप छिपाना चाहोगे, और मैं नहीं देखना चाहूंगा, अब तो समझ गया जैसा, अब प्रैक्टिकल है बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक काम करो, तुम पत्नी से मांग मांग के खाओ तो उसे खिलाने की इच्छा नहीं होगी,
और वो 10 बार मनाए और तुम नहीं खाओ तो उसे बहुत खिलाने की इच्छा होगी। एक काम करो, आजकल भोजन में मौन रख लो, अभी तक मौन नहीं हो तो मौन रखना, देखना पत्नी आपको ना देवता की तरह भोजन कराए तो बोलना। इतना ध्यान रखेगी जैसे चक्रवर्ती का ध्यान रखती है ना वो, इतना ध्यान रखे। क्यों? उसे पता है ये मांगेंगे नहीं, अभी अलौट जाएंगे, ये भूखे रह जाएंगे, फिर तुम कहीं जाओगे भी ना कहीं तो सबसे पहले मोबाइल कर देगी, सुनो भी मांगेंगे नहीं, ध्यान रखना। माने अब बोलो, आप मांग करके खाते हो तो कितना पुण्य छीन होता है, और जब नहीं मांग करके खाते हैं तो देवता भी आहार कराने के लिए तरसते। कुछ गणित समझ आ रहा है? कुछ ओहो, इसलिए दिगंबर मुनि भगवंत याचना नहीं करते, चाहते नहीं है तो सब उनकी पड़गाते हैं, उनकी वो करते हैं, और जो चाहते हैं उन्हें मिलता है। ये 3-4 दृष्टांत दे दिए, अब हम आत्मा में घटाएंगे। अहो, मैं 3 लोक में कोई चीज में सुख नहीं है, इसलिए जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो केवल ज्ञान हो जाता है। और आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है, इसकी जिज्ञासा करते हैं तो यहाँ रमणता होती है और केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो, ज्ञान स्वभाव खराब है कि बुरा है? अच्छा लगा कि बुरा लगा? नींद आ रही है? कोई को नहीं आ रही? कठिन लग रहा है? बोलो, ऐसा ज्ञान स्वभाव नहीं जानना चाहिए अपने को? वो नहीं जानना चाहिए पारस? फिर से, मैं जीव हूं, मेरे में मैं ज्ञान से गे को जानता हूँ कि गे मेरे जानने में आते हैं, और जानने में आते हैं उससे बंद नहीं होता, और जानना चाहता हूँ उससे बंद होता है। अब करके देख लो, इतने में तो मोक्ष हो जाएगा, करके देखो इसी प्रैक्टिकल को बार बार। मैंने बहुत घटा के बताया, और बता दूंगा बहुत सारे, बराबर है? आहा, मैं जानता ही तो हूँ, क्या करता हूँ? अब देखो, अभी जानता ही तो हूँ अर्थात कर्ता भोक्ता, पॉइंट बदल दिया, मैं जानता तो हूँ तो जानता ही तो हूँ, कर्ता भोक्ता क्या बोला मैंने? जानता ही तो हूँ, कर्ता भोक्ता याद हो जाए इसलिए 4 बार रिपीट किया। जानता ही तो हूँ माने कर्ता भोक्ता नहीं है। इसको बंद कर दे बेटे, शाबाश, अच्छे बच्चे, बढ़िया। नींद आ रही थी, छोड़ू तकिया दू? नहीं तो अच्छे बैठ जा, बढ़िया, शाबाश, ऐसे बैठ जाए एक बार, बढ़िया। तो अब अंतिम है, बस अंतिम, घड़ी में टाइम हो ही रहा है, तो अंतिम दृष्टांत सुनो, बहुत जोरदार। जानता ही तो हूँ, बहुत काम की बात है, थोड़ी बात तो सरल है, सूक्ष्म भी है, लेकिन समझने लायक। आपको पता है 100 साल के पिताजी हैं, और उनका बेटा डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वर्ल्ड का नंबर 1। पिताजी 100 साल के हैं, बेटा 80 साल का है, एक्सपीरियंस है उसे बहुत अच्छा, नंबर 1 डॉक्टर है। तो अब वो जानता है कि इनकी रिकवरी नहीं कर सकते, क्या कहलाता है वो, अब इनमें ताकत सुधरने की नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो सब रिश्तेदार आते हैं, सारे रिश्तेदार, अरे तुम डॉक्टर हो, अपने पिताजी का इलाज नहीं कर रहे, तुम घबरा नहीं रहे, और तुम ऐसे शांति से बैठी हो, और पिताजी मर रहे हो, तुम चिंता नहीं है, दया नहीं है, पैसे नहीं दे सकते, दवाई नहीं करा सकते, ICU में भर्ती नहीं कर सकते, इन्हें ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते। अब सारे रिश्तेदार उसमें चिल्ला रहे, और वो ये जानता है कि अब इस समय इनके देश छूटने का टाइम है, इलाज नहीं है। बोलो, डॉक्टर क्या कर सकता है इतनी स्थिति में? डॉक्टर क्या कर सकता है? तो एक शब्द बोलेगा, भाई जानता तो मैं भी हूँ कि इस समय पिताजी को तकलीफ है, मैं भी जानता हूँ इस समय हार्ट में कितनी दर्द हो रहा है इनको, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। पॉइंट पकड़ में? जान तो सकता हूँ लेकिन कुछ कर सकता एक नहीं, ऐसे करोड़ों पॉइंट मिलेंगे आपको। कई बार आप जानते हो मम्मी व्यर्थ में चिंता कर रही, जानते भी हैं व्यर्थ में चिंता में दुखी हो रही। आपको बताऊं, एक बीमारी होती है डायबिटीज, स्ट्रेस की बीमारी। स्ट्रेस की बीमारी किसको होती है? जो फोकट की टेंशन करती है, फोकट की, फोकट समझिए, फोकट नहीं समझते, फ्री कभी मतलब ही नहीं। जैसे जो लोग मम्मी को बड़ा मोह होता है ना बच्चों से, तो रोज उनको 4:45 चिंता सुनी, अभी तक बच्चा नहीं आया, पता नहीं क्या दिल धक धक कर रहा है, और फिर आ गया, वो आते ही हो रोज, लेकिन धक धक तो करना ही ना।
जी फोकट की सर। बच्चा परीक्षा देना गया, ये भगवान पेपर न बिगड़े, अब उसको वो पेपर दे रहा 3 घंटा में, ये भगवान पेपर ठीक आ जाए, पेपर ठीक आ जाए, तुम्हें कर लेंगे ने? उसका आ जाएगा। बाप बेटे में नहीं बनती हो, ये भगवान आज लड़ाई झगड़ा ना हो जाए दोनों में, अरे तुम्हारे टेंशन से क्या हुआ, ये तो मैंने 3-4 बताए, हजारों पॉइंट मिल जाएंगे। मेरी नानी थी, नानी तो मेरे से कहती हाँ बस एक ही इच्छा है तुम्हारी बहू देख ले, मैंने एक ही नक्की करो एक ही, हमारे बच्चों को बच्चा तो नहीं देखने। तो मैंने फिर मैं बोली मिल जाए तो और ही अच्छी, तो और अच्छी है तो फिर उनके बच्चे तो नहीं देखना, झूठ है ये, फालतू की बात है। समझ लो सभी लोग, फोकट की चिंता माने जबरन की बीमारी, दुखी होने का तरीका। तो फिर अपन क्या करना चाहिए बताऊं, क्या करना चाहिए, होते हुए को स्वीकार करो, नहीं होते हुए की कल्पना मत करो, दुखी मत हो, जो नहीं हो सकता उसकी कल्पना करने से क्या होगा बोलो, इतना सिंपल तरीका है। मैंने देखो ज्ञान स्वभाव भी समझा दिया और आर्ट ऑफ लिविंग भी आ गई इसमें। चले आगे, चले आगे, चले मैंने घर चले और क्या। सुखी होने का कितना सुंदर रास्ता है। मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता ही तो हूँ, करता भोगता नहीं। तो 2-4 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, चलो तो सुनो, बहुत अच्छी दृष्टांत बिना सुनना है ना, काय का दृष्टांत है ना, जानता ही तो हूँ करता भोगता नहीं। ध्यान से सुनना, अज्ञानी ने जानने का नाम भोगना रख दिया, क्या बोला मैंने, अज्ञानी ने जानने का नाम भोगना रख दिया, इसलिए उसको लगता है मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ। जैसे दृष्टांत देता हूँ, जिस शर्ट उतार के अपन ने हैंगर पर टांग दी, तो हैंगर का पुण्य का उदय आया कि नहीं आया, बोलो। अरे बोलो, अच्छा हैंगर पर शर्ट टांगने से उसका पुण्य का उदय नहीं आया, और ये भी तो हैंगर है, ये देखो डिजाइन देखो इसका, हैंगर ऐसे टांगते ना, और जो कंधे टांग दी अपने, जो शर्ट टांग दी, टांगी तो है, जैसे वे नहीं टांग देते हैं दुकान पे। तो पुतलों को शर्ट पहनाती हूँ, पुतलों को साड़ी पहनाती हूँ, और पुतलों को गहने पहनाती हूँ, तो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया। 1 करोड़ के गहने पहनती हो, इतना भाग्य तो अंबानी की बहू के भी नहीं है, नहीं समझ आया। वो जो पुतली होती है ना छोटी सी, देखी नहीं, देखी पुतली उधर, हाँ उसके शोरूम में करोड़ों रुपए के गहने हैं, और जो सबसे अच्छे गहने आते हैं नए नए, चाइना से, जापान से, कहीं कहाँ से, बंदराज से, बंबई से, कहीं से आए, सबसे पहले कौन पहनता है, वो पुतली। तो पुतली का पुण्य का उदय आया कि नहीं आया, क्यों क्यों नहीं आया पुतली का पुण्य का, सारे गहने नए नए बदल बदल के पहनती है वो, हैं? बोलो, अब तुमने सब उत्तर दे दिए। जैसे वो पुतगल की रचना है, अजीब है, प्लास्टिक है, वो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कुछ है, तो है तो पुतगल ही, और जे भी जे ही पुतगल है। ले अपन इसके कान में टांग दिए, हमने पहन लिए, हमने भोग लिए, हमने भोग लिए, बोलो। तो अज्ञानी ज्ञान का नाम भोग रख देता है, अज्ञानी भी मात्र जानता है, भोगता नहीं है। आगे चलू, और थोड़ा एक कदम आगे चलू, सोच मुझे शांति से समझ में आ गई, तो मजे मजे है। भोगना कैसे कहते पता है, भोगने का मूल अर्थ है जानना। जैसे जैसे अभी तुम्हें पता भी नहीं होगा, मैं बताता हूँ, लंबी लिस्ट बताता हूँ। इस समय आप इस चटाई को भोग रहे हो, इस कमरे का उपभोग कर रहे हो, मैं इस तख्त का उपभोग कर रहा हूँ, तुम इसका उपभोग कर रहे हो, वो
उपभोग कैसे कर रहे हो, इस माइक का उपभोग कैसे कर रहे हो, इस बिजली का उपभोग कैसे कर रहे हो, इस हाल का उपभोग कैसे कर रहे हो, तो जान ही तो रहे हो, कर क्या रहे हो बता। चक्रवर्ती 6 खंड का भोग करता है, कैसे 6 खंड को खा जाता है, महलों को खा जाता है, घोड़े को खा जाता है, क्या करता है, भोग माने क्या, भोग मतलब क्या, भोग मतलब आगे से है वास्तव में तो जानता है, जैसे तिजोरी में 10 करोड़ आ गए आज, और तो तुमने जान ही तो है केवल, और क्या किया बता, अब तिजोरी में भी नहीं आई, बैंक में डायरेक्ट चले गए ई बैंकिंग, और तुम्हें वो उसमें मोबाइल मैसेज आ गया, मैसेज तो तुमने मैसेज तो जाना, और क्या करा, बोलो क्या किया, बोलो अब समझ में आया कुछ, विश्व में प्रत्येक आत्मा मात्र जानता ही है, और इसको भोग मान मान करके दुखी हो रहा है, हमने भोगा क्या भोगा, भोग के बता दे, जाओ बोलो बेटा भोगो, वो भोग ना हो तो एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, एक भैया दूसरे भैया को मोबाइल में मैसेज भेज दी करो 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, भेज दिया पढ़ लिया मोबाइल में, अरे 100 करोड़ का प्रॉफिट 100 करोड़ का प्रॉफिट, फिर एक भैया ने दूसरे भैया को मैसेज किया अपनी डील पक्की हो गई, अमेरिका खरीद लिया $5,000 में तो जान नहीं तो है, लिख लिख के जानते रहो बस अच्छा तुम अब दृष्टान कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारी, तो ज्ञान नहीं है केवल, कागज रखे होंगे तुम्हारे पास, बैंक के कागज में पासबुक या वो ई बैंकिंग, और फैक्ट्री के कागज रजिस्ट्री के, और दुकान के और मकान की कागज ही कागज है बस, मतलब क्या है, एक फाइल में कागज ही कागज रखे और तुमने जानते हो, और क्या करते हो बोलो, आपको पता है जो कार का सेवन करता है ना वो कार उतनी देर उसी की होती है, समझा क्या कहा मैंने, जो कार जो व्यक्ति सेवन करता है मैंने भोगता है बैठता है उतनी देर उसी की होती है वो, मेरी कार कितनी बता, हमारी कार कितनी बोलो, एक पैसे नहीं चुकाते, न पेट्रोल भरवाते, न इंश्योरेंस करवाते, न ड्राइविंग लाइसेंस की झंझट, और ट्रैफिक में पकड़ा जाए तो हमें 20 लाख भाव से उतर जाएंगे, तो वही तुम निपटा और एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारी तुम जानो, अब बता भाई कारों का असली स्वामी कौन, हाँ जो भोगे और जो निराकुलता से भोगे वो स्वामी है, एक देश सही कह रहे गणित है ये, तुम्हारे कितने मकान है बता दो टोटल पूरे इंडिया में, नहीं टोटल मकान कितने हैं, 2 ही है बस, उधर गांव का नहीं कोई, एक उधर एक इधर, इधर एक ही है, हमारे कितने बोलो, हमारे गिनो हमारे गिनो, हम जहाँ चले गए वो ही हमारा घर, वही रहे आराम से, और चलते हुए नहीं, न खरीदने की टेंशन न बेचने की नहीं जी सही कह रहा हूँ, ये 3 लोग का स्वामी ऐसे बनता है, जो एक परमाणु को ग्रहण नहीं करना चाहता वो 3 लोग का स्वामी ऐसे बनता है, लेकिन वही अपन मिथ्या दृष्टि के बीच में रहते तो ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए महिला को 3 लोग का स्वामी कहते हैं, 3 लोग का नाथ कहते हैं आनंद भगवान को, समझ आई बात, तो भोगते हो कि नहीं भोगते हो अब बोलो, लेकिन तुमने कल्पना कर ली हम भोग रहे, बोलो मुंह में रसगुल्ला रखा तो भोगा कि नहीं भोगा, तो हम पूछ रहे मुंह में रसगुल्ला रखा भोगा, तो एक काम करो वो तुम्हारा वो होता है ना मिक्सी, और मिक्सी में छोटा ग्राइंडर होता है छोटा वाला, उसमें रसगुल्ला रख दो बताओ रसगुल्ला भोगा कि नहीं भोगा, तो तुम दांतों से चबाते हो वो कटर से चबाता है, तुम अंदर सरका देते हो तो उसमें भी पाइप लाइन लगा दो तो उसमें भी सरक जाएगा, तुमने इसका नाम भोग मान लिया, उधर तुम उसको मशीन का काम मान लेते हो, वास्तव में इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुमने कल्पना की इसका नाम भोगना है, खरे घर देखा जाए तो मात्र जानना है, चलो जब इतनी बात बता दी तो एक बात और कह दे, मात्र जानने का अर्थ है ध्यान से सुनना, भोगना नहीं होता, नितांश तुम्हें 2 रसगुल्ले दिए जाए, 2 पहला रसगुल्ला खाए एकदम मजा आया आपको, तो दूसरा खाओगे कि नहीं खाओगे, खाओगे पक्का,
तो मैं थोड़ा दृष्टांत देता हूँ। अभी दूसरा रसगुल्ला खाने के पहले तुम जहाँ गए थे ना डफर सिस्टम में खाना खाने के लिए, डफर समझते कि नहीं समझते, पापा से समझ लेना। वो डफर सिस्टम नहीं, बफर होता ही नहीं, डफर होता है। अब वो वहां गए डफर सिस्टम में और इसे ना रसगुल्ले टेस्टी थे, रसगुल्ले टेस्टी थे, तो इसने पहला रसगुल्ला खा लिया, फिर दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया, मान लो तीसरा भी लिया, चौथा भी लिया। इतने में जो होस्ट था ना, होस्ट वो देख रहा तेरे को, तो खाने का मजा कम होता है कि बढ़ जाता है? कम हो जाता है। अभी अभी तुमने तीसरा रसगुल्ला खाया ही था, अभी तो चौथा खाने की इच्छा थी, निकाल रहे थे, ले ही रहे थे, थोड़ा हाथ रोक गया, फिर भी सोचा कि यार अब नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ले ही लो। अब तो ले ही रहे थे आप, ले ही रहे थे और मुंह में डालना भी चाह रहे थे, इतने में उसने कह ही दिया, भोक्कड़ की औलाद तुम्हारे बाप ने खा ले, कभी खा ले खा ले। बोले भाई चौथे रसगुल्ले का स्वाद कैसा आएगा? अरे खराब कैसे आ जाएगा? खराब क्यों आएगा? रसगुल्ले में शक्कर नहीं है और जी बीमार है, जी बीमार नहीं है और रसगुल्ला में स्वाद है। बोलो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कुछ कह रहा हूं आपको, इसका मतलब तीन रसगुल्ले के टाइम भी तुम्हारा ज्ञान आनंद में था ना, उस आनंद का स्वाद ले रहे थे, और चौथे रसगुल्ला के टाइम में भी रसगुल्ला तो सेम है, अब तुम्हारे ज्ञान में आनंद नहीं है इसलिए रसगुल्ले में आनंद नहीं दिखाई देता। कुछ समझ गए तीजे में? जब जब तुम्हें आनंद आता है टीवी देखने का, वो ज्ञान का आनंद है। रसगुल्ले का दृष्टांत दिया ना, जब जब तुम्हें कपड़ा पहनने का आनंद है, वो ज्ञान का आनंद है। बताओ तुम्हारी कोई इंसल्ट कर दे और फिर गहने पहनने दे तो कैसा लगेगा? बोलो, इंसल्ट करके खिलाए तो कैसा लगता है? इंसल्ट करके तुम्हें कोई प्रॉपर्टी भी दे तो कैसी लगती है? बोलो, अब तो समझ में आ गया। अब बोलो, ज्ञान के आनंद का ही भोग करता है यह जीव, अनादिकाल से अभी भी अनादिकाल से हमेशा अपने ज्ञान का आनंद भोगता है, लेकिन जीव को खबर नहीं है कि मैं ज्ञान का आनंद भोगता हूँ, इसलिए जी अज्ञान से मानता है कि मैं पर को भोगता हूँ। ये मिथ्या, बराबर। प्रवचन में मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बंद कर देता, मुझे क्या। प्रवचन में मजा आया कि नहीं आया? आया। काय में मजा आया मालूम है? अभी तुम्हें ज्ञान का आनंद नहीं होता तो मेरे प्रवचन मजा नहीं आता। कोई कोर्ट का कोर्ट बाजी उलझ जाती, कोई को रेट पड़ जाती, बताओ किसी को रेट की खबर आ जाए, हेलो रेट पड़ गई, तो कितनी आनंद से सुनोगे? बोलो बोलो, कितने आनंद से सुनोगे? इसका मतलब क्या है? ज्ञान आनंद करता है तो प्रवचन में आनंद लगता है। अब फिर से बोलो, ये ज्ञान तीन लोग तीन काल में ज्ञान का ही आनंद करता है, लेकिन इसको खबर नहीं थी तो इसको लगता है मैं गेहूं का आनंद करता हूँ, रसगुल्ले का आनंद करता हूँ, कपड़ों का आनंद करता हूँ, परिग्रह का आनंद करता हूँ। जी मिथ्यात हो गया। काय का आनंद किया? आज क्या टेस्टी चीज खाई थी? आज जो अच्छी लगी वो बहुत बढ़िया लगी, कौन सी चीज खाई थी आज? रस, रस पूड़ी, रस रोटी सब्जी, तो बहुत मजा आया उसमें। काय में मजा आया? ज्ञान में। ज्ञान उस समय ज्ञान में आनंद ना होता, कोई ऐसी घटना घट जाती जो तुमसे रिलेटेड होती तो तुम्हें तो फिर खाने का मजा आता कि नहीं आता? सोचो जरा। अब समझ में आया सबको? आप सब लोग काय का आनंद ले रहे हो अनादिकाल से? ज्ञान का। किसका सुख भोग रहे हो? ज्ञान का। मानते किसका थे? पर का। पर एक गड़बड़ हो गई। अब कल एक बहुत अच्छी चर्चा सुनाऊंगा शाम को, आगे आगे बढ़ेगी चर्चा, बहुत मस्त मस्त चर्चा है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।